ये पेरिस्कोप है, इसका बेसिकली यूज़ होता है कि जैसे आप समंदर के अंदर से बाहर की चीज़ों को देख सकते हो, समंदर के सरफेस से पनडुब्बी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इस जगह पर अगर इसके फेस के सामने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मिरर लगा हुआ है 45 डिग्री एंगल पर, और एक मिरर यहाँ पर लगा हुआ है 45 डिग्री एंगल पर, तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लाइट की रेज है और ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और ये जाती है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आप उसको इस जगह पर देख सकते हो। इसकी लेंथ आप कितनी भी बड़ी कर सकते हो, आप कितनी भी बड़ी लेंथ कर सकते हो, आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो अब इसको बनाना है, कैसे बनेगा? तो यहाँ पर इसकी मेजरमेंट है, आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसकी टोटल हाइट 150 mm है और यहाँ पर 40 mm इसकी वेट है एंड 40 mm इसकी लेंथ है। यहाँ पर जो ये स्पेस है जहाँ से मिरर लगेगा, ये स्पेस 40 mm का हमने छोड़ रखा है और यही 40 mm का स्पेस यहाँ पर नीचे भी छोड़ना है। तो चलें इसको सॉफ्टवेयर पर कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ से एक नई फाइल लेते हैं, न्यू फाइल पे जाना है। अब आपको करना ये है, सबसे पहले आपको इस प्रिमिटिव मेन्यू में जाना है और आपको ये बॉक्स क्लिक करना है। इस बॉक्स को आप इस ग्रिड के ऊपर प्लेस करेंगे और इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे जाना है, बॉटम में ये स्मार्ट स्केल टूल पे क्लिक करना है। आप थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो आप होम बटन को क्लिक कर सकते हैं और जूम आउट करके यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है 1.2, ये वैल्यू हमें 40 की रखनी थी एंड ये वैल्यू हमें रखनी है 150। और ये ग्रीन बटन को आप क्लिक कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो स्क्रॉल बटन से। आपका जो ये मॉडल है उसका वन साइड बन गया है। आप इस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, ये अभी ग्रिड के नीचे है, ये प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट नहीं होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस मॉडल को इस ग्रिड के ब्लू कलर की जो लाइंस आ रही है उसको ग्रिड कहते हैं, इसके ऊपर लाना होगा। अभी हम होम बटन को फिर से क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा एक साइड का ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। आप इसको सिलेक्ट करोगे और आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी होगा और कंट्रोल वी से पेस्ट होगा और ये एरो आ गए, तो ये एरो आपको क्लिक करके पीछे लेके आना है ऐसा। और यहाँ पर आपको वैल्यू देखना है, आप देखना है यहाँ पर माइनस लग के आ रहा है तो आपको वैल्यू माइनस में देनी है, अदरवाइज आप डायरेक्टली विदाउट माइनस वैल्यू देंगे। तो आप देख लेना एक बार, यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ पर -40 ऐसा कर देंगे। ये 40 इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि इसकी वेथ एंड लेंथ 40 40 है। अब यहाँ पर वापस आ गए हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको ये मॉडल सिलेक्ट करना है और शिफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। तो शिफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक से ज़्यादा मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं। और अब हमें करना है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो अब आप देखोगे फिर से ये एरो आ रहा है, पर इस बार इस एरो को नहीं हम यूज करेंगे, इस बार ये सर्कल जो छोटा सा आ रहा है, देखिए तीन सर्कल है 1 2 एंड 3, तो आपको ये सर्कल यूज करना है और यहाँ पर आप टाइप करोगे 90। जैसे आपने 90 टाइप किया आप बाहर क्लिक करोगे और होम बटन पर फिर से आप क्लिक करोगे। आप इसको रोटेट करके थोड़ा सा आप देख सकते हो आपका ये स्पेस हॉलो स्पेस बन गया बहुत ही आसानी से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये है कि इसको आप 40 mm का नीचे गैप बनाएंगे जिससे आप यहाँ पर मिरर लगा सको। तो आप बाहर क्लिक करोगे, उसके बाद आप अपने स्क्रॉल से जूम करेंगे और आपको ये मॉडल पहले क्लिक करना है और फिर इसके ऊपर जो फ्लैट सरफेस आ रही है इसके पास जाना है। अभी नहीं जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको और क्लोज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर फ्लैट सरफेस जब ये हाईलाइट होगा तो आप इसको क्लिक कर लोगे। उसके बाद आपको एक आइकन मिल रहा है, इस आइकन में सेकेंड आइकन आपके पास में आ रहा है प्रेस एंड पुल का, आपको क्लिक करना है और ये एरो आपको वापस से नीचे की तरफ पुश करना है। यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है माइनस में, तो आपको यहाँ पर करना है -40
और जैसे ही आप माइनस 40 करोगे, आप देखोगे यहाँ पर मिरर के लिए स्पेस बन गया, आप बाहर क्लिक कर सकते हो। सेम स्टेप आपको बैक साइड में करना है, लेकिन बैक साइड में या बॉटम पर, याद रखना बैक साइड में और इसके अपोजिट में। तो आप यहाँ पर चलेंगे नीचे साइड में, और इसके साथ भी यही करना है। आप थोड़ा सा इसको क्लोज करेंगे जूम करके, और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकेंड क्लिक करेंगे इस फ्लैट सरफेस के ऊपर, और ये आइकन आ रहा है, आपको यहाँ पर जाना है प्रेस एंड पुल। आपको ये एरो पीछे की तरफ धकेलना है, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हमें 40 करना है और बाहर क्लिक कर देना है। आप दोबारा से इस होम बटन को क्लिक कर सकते हैं, आप देखोगे इसको रोटेट करके तो आपके बैक साइड में भी एक स्पेस बन गया है जिसमें आप मिरर लगा सकते हो। अब आपको इस मॉडल को ऊपर से भी कवर करना है, और सेम काम आपको बॉटम पर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से किसी एक को ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम आपको करके दिखा रहे हैं। हमने इस मॉडल को सिलेक्ट कर लिया, और इस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको करते हैं कंट्रोल के साथ सी एंड कंट्रोल के साथ वी, इसकी एक कॉपी बना रहे हैं बेसिकली। और इस मॉडल को हम थोड़ा सा पीछे बैक साइड पर लेके जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट रखना है, बाहर क्लिक करना है। अब हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, और नीचे एक स्मार्ट स्केल टूल आ रहा है, इसको क्लिक कर लेंगे। जहाँ पर 1.2 है यहाँ पर हम करेंगे 40, एंटर करेंगे, और जहाँ पर ये 110 आ रहा है इसको हम करेंगे 1.2 और एंटर कर देंगे। चेक बटन को क्लिक करना है आपको, बाहर क्लिक करेंगे और फिर से इस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको मूव टूल लेना है, यहाँ से देखिए ये एरो बन के आ रहा है, ये मूव टूल है। इस एरो का यूज़ करेंगे आप, और इसको ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पर आप देखिए ये लेफ्ट राइट और फ्रंट लिखा हुआ है, तो यहाँ से व्यू पर क्लिक करना है, और फिर इसको इस एरो के साथ यहाँ पर प्लेस करना है। थोड़ा बॉटम में होना चाहिए, कुछ कुछ इस टाइप से। अब हम इसके ऊपर इस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे ताकि हमें इसकी ऊपर का व्यू दिख जाए। देखिए अभी ये प्लेस हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके कंट्रोल के साथ सी एंड कंट्रोल के साथ वी करना है, और इसको बॉटम पर प्लेस कर देना है। ये ग्रिड जो आ रही है, हमारा मॉडल रेडी है। इस ग्रिड को यहाँ से आप देख सकते हो, ये ग्रिड बनी हुई है, इसको ऑफ कर सकते हो। होम बटन को फिर से आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बॉटम से भी ये फिल हो गया है, और ये अब आपको इसको 3D प्रिंटर पर प्रिंट करना है। और जब ये प्रिंट हो जाएगा तो मार्केट से हम मिरर इसके साइज का लाके लगा सकते हैं, और आपका पेरिस्कोप रेडी हो गया है। तो अगर आपको यहाँ पर मिरर लगाना है तो आप इसकी एक कॉपी बना सकते हैं कंट्रोल सी एंड वी करके, और यहाँ इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, -90 आप देख लेना, 90 नहीं होगा सॉरी, मिरर लगेगा 45 के एंगल पर, और ये लेफ्ट व्यू साइड से जा करके आपको इसको यहाँ पर प्लेस कर देना पर। सेम काम आपको नीचे बॉटम में करना है, सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ सी एंड कंट्रोल के साथ वी, यहां से आप देख लेना कि आपको कौन से एंगल पर रोटेट करना है। यहाँ पर भी -45, और साइड व्यू से जा करके आपका जो भी साइड व्यू होगा आपको साइड व्यू पे जाना होगा, और इसको प्लेस कर देना है इस बॉडी के अंदर। अब आप देखोगे इसके अंदर आपने मिरर भी बना दिया है। आप मिरर को सिलेक्ट करेंगे, और इस आइकन पर आपको जाना है जिससे हम इस पे मिरर का इफेक्ट लगा सके। तो देखिए इस मटेरियल में दी अप्लाई ओवरले, इसका चेक आपको हटाना पड़ेगा अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये चेक लगा हुआ है, और ये ग्लास आ रहा है, इस पे क्लिक करना होगा, या फिर इस ग्लास पे, ये दो ऑप्शन है ग्लास के। मेरे ख्याल से एक क्लियर ग्लास बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर एक ग्लास का इफेक्ट आ रहा है, आपको यही ग्लास का इफेक्ट इस वाले मिरर पर भी लगाना होगा। आप सिलेक्ट करेंगे, फिर से जाएंगे, और ये क्लियर ग्लास यहाँ पर भी लगा दिया।
अब आपको लगता है कि आप अगर अपने पेरिस्कोप में कोई कलर देना चाहते हो, ये ब्लू जो डिफॉल्ट कलर आ रहा है, तो आपको अगेन यहाँ पर ही जाना है और इस पर चेक लगाना है। यहाँ से जो भी आप कलर सिलेक्ट करोगे वो आपके मॉडल पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये कलर आप जो भी डिसाइड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कलर करने के बाद में आप इसको देखोगे तो मॉडल आपका ये रेडी हो गया। तो ये रहा आपका प्यारा सा पेरिस्कोप। इसको 3D प्रिंटर पर प्रिंट करेंगे और ये रियल लाइफ में बिल्कुल रिएक्ट करेगा जैसे पेरिस्कोप करता है। तो इस तरह से आपने अपने एक क्लास का मॉडल बना लिया है जो कि लाइट रिफ्लेक्शन की क्लास थी। ये मॉडल पेरिस्कोप आपकी लाइट के रिफ्लेक्शन पर काम करता है और यहाँ पर कोई भी इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको यहाँ से देखा जा सकता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट सेशन में अगले किसी भी मॉडल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।